अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लैब का, उसमें हमने डिज़ाइन का कुछ आप लोगों का लास्ट पोर्शन रहता है उसको डिस्कस करना है। बाकी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया, मेजॉरिटी सारे स्टूडेंट्स आज क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो आप लोगों की डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी लैब का टास्क है वो आज हमने कम्प्लीट कर लेना, ताकि मिड के बाद जब आप आएँ तो इसको मुझे हम इसकी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने अपने जो डाटा है इसको आपने किस तरह से अपनी इसकी रिपोर्ट लिखकर मुझे कैसे सबमिट करवानी है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, सेपरेट तो आप सब जो है वो परफॉर्म कर चुके थे, जिसमें लेंस ऐड करने के बाद आप लोगों ने पाइप डायामीटर्स जो हैं हर पाइप के अगेंस्ट आपने ऐड करने थे। अब इसमें अभी जो आप लोगों ने एक रैंडम अभी तो चूज़ किए होंगे पाइप उनकी जो साइज़ है, लेकिन जब आप अपना पूरा सिस्टम जो अब हम आज स्टेप्स करने जा रहे हैं, जब आप वो परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये पाइप डायामीटर्स फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी आपने जो भी एक साइज़ रखा है, अगर आपने सारे 75 mm के रखे हैं या 100 या 125 के, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हमारे पास जो 350 या 400 है वो आप जो है वो सिर्फ जो बिल्कुल आपके पास पंप या रिजर्वायर के साथ जो अटैच हुआ होगा, सिर्फ आप उसके साथ इस पाइप को अटैच करेंगे। यानी ये जो ग्रीन में आपको शो किए गए हैं, इनमें से ही आपने पाइप डायामीटर्स चूज़ करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि जो कम डायामीटर्स के, यानी जिनका 75, 100 या 125 mm डायामीटर के जो पाइप हैं, वो मैक्सिमम आप जो हैं वो यूज़ करें, दूसरे जो है वो यूज़ ना करें। सर उस्मान अभी आए नहीं, आ जाएंगे, वो आ गए जी। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताई थी कि हम पाइप डायामीटर्स जो हैं वो हमने ऐड करने होते हैं। तो अभी आपने सब ने अगर 75, 100, 125 जो भी डाले हैं, लेकिन एट द एंड आपको वो चेंज करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप है, स्टेप 9, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली अब आप अपने सिस्टम में रिजर्वायर, पंप और टैंक ऐड करेंगे। इनका क्या पर्पज़ है? रिजर्वायर हमारे पास है, यानी जैसे आपने अगर ग्राउंड वाटर से पानी लेना, यानी वाटर को आपने जो है वो स्टोरेज के लिए जो आपने यूज़ करना है वो रिजर्वायर होगी। यानी रिजर्वायर आपके पास कोई भी ऐसा होता है जहाँ पर वाटर स्टोर हुआ हुआ हो, हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है। पंप हमारे पास है बेसिकली, यानी मोटर है या पंप है जो आपके घरों में भी अवेलेबल होती है, यानी आपने ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप पंप को यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास जो टैंक है वो बेसिकली ओवरहेड टैंक है। अगर मैं आप लोगों को उसकी पिक्चर दिखाऊँ, इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। जो टैंक है वो बेसिकली ओवरहेड टैंक है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह का लगेगा। आपने बहुत सारी जगहों पे या यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास जहाँ पर आप लोगों की बसेस मौजूद होती हैं, इस तरह के आप लोगों ने टॉप के ओवरहेड टैंक देखे हुए होंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि आपने जब पंप के थ्रू आपने वाटर एक्सट्रैक्ट किए ग्राउंड वाटर से, तो आप उसके स्टोरेज के लिए जो है आप ये ओवरहेड टैंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम टैंक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास इस ओवरहेड टैंक के लिए, जो आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। अब आपको इसके डिफरेंट, जैसे आपको इसके स्टाइल्स नज़र आए, ये आपके पास इसमें सर्कुलर में भी है, उसके अलावा ये आपके पास स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ठीक है। तो इंक्लाइन फॉर्म, यानी ये डिफरेंट टाइप के ओवरहेड टैंक्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी पर, इसका जितना भी आप देख रहे हैं इसकी हाइट है, बाइक हाइट पर हैं आप, इनकी एक इनका वॉल्यूम है जिस जितनी वाटर को ये ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपने कैलकुलेट करना है, इसके लिए कितनी हाइट रिक्वायर्ड है, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यानी ये जो आपको डायामीटर सर्कुलर के केस में नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर, आई होप कि आप लोगों ने ये देखी होगी। जी स्टूडेंट्स, आप में से कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि आप लोगों ने ये ओवरहेड टैंक देखा हुआ है? यस मैम, देखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये जो टैंक है यहाँ पे, जो आपके पास रेड में आप लोगों को पिक्चर में जो है ये नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है, जब भी आपने लगानी है कोई भी ग्रीन एरिया जो भी, यानी कोई पार्क होगा, जैसे आप लोगों ने ओवरहेड टैंक भी लगा हुआ देखा होगा, तो वो आपके पास जो है किसी भी, जब भी आप देखेंगे किसी पार्क में, किसी खुले एरिया में आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि कहीं बिल्डिंग्स के आसपास आपको नज़र नहीं आएगा, हमेशा किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में आपको ये बना हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली ये आपके पास फर्स्ट जो है, यानी सबसे पहले जब आपने ईपीए नेट पे लगाना है तो रेजर वायर लगानी है,
सेकंड का मतलब है कि आपने फिर उसका अपने टैंक ऐड करना है, और थर्ड में आपने पंप ऐड करना है, और फिर जो टैंक से एक आप नोड लगा देंगे उसको अपने किसी भी नोड के साथ, यहाँ पर जिस तरह यानी ये स्टेप हुए हैं वन बाय वन आपने यही स्टेप करने हैं। मैं अब आप लोगों को ये परफॉर्म करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं कि किस तरह से ऐड होने हैं वो आप लोगों को पता चल सके। जैसे अब ये देखें, ये मैंने अपना ये पूरा ऐड किया। अब इसमें आप लोग जो हैं, आप लोगों ने जो पूरा डिज़ाइन किया होगा जिसमें बेसिकली आप लोगों ने अपना पूरा जो लेआउट है वो भी ड्रॉ किया होगा, यानी आप लोगों ने नोड्स और पाइप्स, तो आपने उसी में ही ये काम करना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक न्यू फाइल ये ओपन की है, तो इसमें अब आप लोगों के टॉप पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर रेजर वायर लिखा हुआ आ रहा है। बेटा ये सबको विजिबल है, रेजर वायर लिखा हुआ जहाँ पर है नोड के, जहाँ से आप लोगों ने जंक्शन लगाया, नोड लगाया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जिसमें सिंबल बना हुआ है रेजर वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रेजर वायर को चूज़ करना है और आपने इस सेंट्रल एरिया में आपने एक जगह पे ये लगा देना है। तो अब आप देखें, जैसे ही आपने इसको ऐड किया है, यहाँ जो साइड पे विंडो है वहाँ पे रेजर वायर्स के नाम से R1 के नाम से विंडो अपेयर हो गई और आपको उसका डाटा यहाँ पर आपको शो हो गया। उसके बाद रिजर्व वायर के साथ ही जो नेक्स्ट सिंबल है वो आपके पास टैंक का है, इसको क्लिक करें और उसके बाद कुछ गैप से आप इस तरह से इंक्लाइन फॉर्म में आप इसके साथ ये आपने टैंक लगा दिया। और जैसे ही आपने टैंक का उसको सेलेक्ट किया, उसको ऐड किया, तो साइड विंडो में जो ब्राउजर की विंडो है उसमें आपके पास टैंक्स भी की जो है वो भी ऐड हो गई T1 के नाम से। उसके बाद स्लाइड्स में जैसे देखें, थर्ड स्टेप आपका क्या है कि आपने पंप ऐड करना है। पंप क्या कर रहा है, बेसिकली आपके रेजर वायर से टैंक तक आपने जब पानी पहुँचाना है तो उसके लिए आपको ये पंप मोटर ही हमेशा, जब भी आपने किसी हाइट पर पानी पहुँचाना है, खुद ब खुद वो पानी मूव नहीं करता, बल्कि आपको उसको कोई प्रेशर देना पड़ता है, आपको पंप या मोटर के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो आपके हाइट पर जो है वो जा सके। क्योंकि आपके पास जो टैंक है, जो ओवरहेड टैंक है, वो बेसिकली उसकी हाइट है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये पिक्चर में दिखाया, ठीक है, ये उसकी हाइट एक कवर कर रहा है। तो हमेशा हाइट पर जब भी आपने अपना कोई भी फ्लूइड आपने पहुंचाना है तो उसके लिए आपको पंप की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो प्रेशर अप्लाई करके उसको जो है वो अप्लाई आपकी हाइट पर जो वाटर की उस तक पहुँच सके। अच्छा, इसमें अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये पंप ऐड करना है। तो आप पंप का जो आपके पास ऑप्शन है इसको चूज करेंगे और आपने किस तरह से अटैच करना है, ये अब आपके पास पंप जो है इस तरह से अटैच नहीं होगा कि आपने पंप को सेलेक्ट कर लिया और अब आप इस इधर क्लिक करें तो पंप ऐड हो जाएगी, इस तरह ऐड नहीं होता। पंप आपके पास कैसे ऐड होगा, जहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकेंड पॉइंट तक आपने जहाँ पर उसको अटैच करना है, यानी आपने रेजर वायर से टैंक तक पानी को आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पहुँचाना है, तो आप फर्स्ट पॉइंट से आप सेकेंड पॉइंट तक लेकर जाएंगे, यानी आपने अपने टैंक से जो आपका ये जो रेजर वायर है, सॉरी, रेजर वायर पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप जो जहाँ पर आपने टैंक को रखा है उसके ऊपर क्लिक करें, तब देखिए सेंटर में ऑटोमेटिकली जो पंप का सिंबल है वो आपके पास ऐड हो गया, और ब्राउजर की विंडो में आपके पास पंप्स PU1 के नाम से पंप की इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको कि ये किस तरह से हमने पंप ऐड करना है, यानी पंप के सिंबल पे आप क्लिक करके जब उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपके पास ऐड नहीं होगा, जैसे आपने रेजर वायर या आपने जो अपना टैंक ऐड किया वो सिर्फ ये था कि आपने सिंबल पर क्लिक किया और जहाँ पर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते थे ग्रीन लैंड में, ग्रीन पार्क में, सेंट्रल पार्क जो आपका, आपने उस पर क्लिक किया था तो वहाँ पर वो सिंबल ऐड हो गया था और वो चीज़ इंस्टॉल हो गई थी। लेकिन पंप्स को जब आपने ऐड करना है, पंप कैसे होगा, मैं इसको आपको डिलीट करके एक दफ़ा दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो क्या किया मैंने। पंप को मैं सिलेक्ट करूँगी, पंप कैसे ऐड होगा, यानी जिस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक आपने वाटर को आपने पहुँचाना है, यानी हमने रेजरवायर से लेकर टैंक तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आप रेजरवायर पे क्लिक करेंगे, फिर आप जो आपने टैंक ऐड किया उस पर क्लिक करेंगे, तो ये सेंटर में ऑटोमेटिकली जो है आपके पास पंप का सिंबल ऐड हो जाएगा, यानी पंप इंस्टॉल हो जाएगा। जी बेटा, ये क्लियर है सबको? जी मैम,
ठीक है। अब जैसे हमने जब हमने नोड ऐड किए थे, हमने पाइप ऐड किए थे, तो हमने वन बाय वन उस पर क्लिक करके हमने उसकी प्रॉपर्टीज उसमें ऐड की थी, यानी जैसे कि पाइप्स में आपने उसका लेंथ, उसका डायामीटर ऐड किया था, और इसी तरह आपने जो नोड्स हैं उनकी आपने जो बेस डिमांड है वो आपने इम्पोर्ट की थी, यानी आपने सबका जो डाटा है आपने वन बाय वन उसका ऐड किया था। तो अब जब आपने रिजर्वायर, पंप और टैंक, अब आपने ये तीन चीज़ें ऐड की हैं, तो ऑब्वियसली इसकी भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सपोज अगर मैं आपको ये इसकी विंडो ओपन करके दिखाऊँ, जो आपके पास रिजर्वायर R1 है, इस पर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखिए आपके पास जो है इसमें क्या आ रहा है, एक ऑप्शन जिसको आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर उसकी रिजर्वायर आईडी लिखी हुई आ रही है R1, यानी उसका नाम जिससे आपने उसको शो किया हुआ है। आर ऑब्वियसली आपने जब डिफॉल्ट सेटिंग्स उसकी अप्लाई की थी तो यानी आपने सिंबल जो रिजर्वायर के लिए यूज़ किया था वो R था। अगर आप उसको RE से, RES से, जिस भी सिंबल से आप उसको शो करना चाहते हैं, डिफॉल्ट में जाकर जो आपका स्टार्टिंग जो हमने स्टेप्स किए थे उसमें आप जाके सिंबल चेंज कर सकते हैं। एज इट इज़ रहने दें, वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। इसमें कोई यानी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उसकी लोकेशन को, उसकी पॉइंट को, उसकी पोजीशन को बता रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट पे उसकी क्या पोजीशन है। तो आप जो चीज़ जो आपने ऐड करनी है, जो पॉइंट है, वो आपके पास टोटल हेड है जो आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से हेड कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी तरह आप टैंक पे क्लिक करें तो टैंक में आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सबसे पहले पंप आईडी की, जिस तरह से आपके पास PU1, आपने उसको PU से रिप्रेजेंट किया और एक ही पंप आपने ऐड किया, तो ये आपके पास PU1 उसका शो हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर उसका लोड बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी सोसाइटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ये आप सिस्टम इंस्टॉल करें। ये जो हमने रिजर्वायर, पंप और टैंक का ये जो पूरा एक सिस्टम हमने इंस्टॉल किया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपने एक ही इंस्टॉल करना है। अगर आपकी सोसाइटी बड़ी है या उस पर लोड ज़्यादा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका आप सेकेंड जो कोई भी पार्क है, आप उसमें सेकेंड पॉइंट पे वो भी ये सिस्टम, यानी आप दो जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब ये देख रहे हैं स्टार्ट नोड और एंड नोड, यानी जब आपने पंप लगाया है तो उसका स्टार्टिंग नोड रिजर्वायर था और एंड नोड उसका जो है वो हमारे पास टैंक था। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर गिवन है, क्योंकि फर्स्ट हमने रिजर्वायर से स्टार्ट किया था और ख़त्म हमने उसको टैंक पे किया, तो यही उसकी चीज़ जो है वो शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें एक चीज़ है पंप कर्व, वो इसमें ऐड करनी होती है। तो ये आपकी स्लाइड्स में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि वो किस तरह से ऐड होगी, उसको अभी हम देखेंगे जब हम स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। इसी तरह से पंप कर्व हम देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास टैंक की विंडो है, इसी तरह उसकी भी टैंक आईडी गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एलिवेशन है, इनिशियल लेवल, मिनिमम मैक्सिमम लेवल एंड डायामीटर, यानी इसमें ये तमाम ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं एलिवेशन के बाद, ये जो स्टैरिक है, स्टैरिक से जिनको शो किया गया, क्योंकि देखिए एलिवेशन के साथ भी स्टार्ट में स्टैरिक लगा हुआ है, इनिशियल लेवल के साथ मिनिमम, यानी ये आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये आपने खुद अप्लाई करनी है और आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये जो अब एलिवेशन हमारे पास 217 मीटर्स आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास मीन सी लेवल से हमारे पास हाइट होती है कि हमारे पास जो ग्राउंड पे वो चीज़ मौजूद है सरफेस पे, उसका सी लेवल से कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जैसे क्योंकि हम जो हाउसिंग स्कीम है वो हमारे पास लाहौर की है, तो वो उधर जो एलिवेशन लेवल है वो हमारे पास 217 मीटर्स था, और ये हमने जब हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई की थी तो तब हम ऐड कर चुके थे 217 मीटर्स। तो इस वजह से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आप पिछली जो आपकी स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं अगर उसमें देखें, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हमने इसको जो है वो अप्लाई कर दिया था कि जैसे ये देखें, ये स्टेप 3 जो हमारे पास था, स्टेप 3 में जो प्रॉपर्टीज़ में हमने नोड एलिवेशन 217 मीटर्स हम ऐड कर चुके थे, तो इसीलिए जो हम 217 हमने नोड एलिवेशन के लिए ऐड किया था वो हमारे पास यहाँ पर टैंक की एलिवेशन में भी उसको शो कर रहा है, ठीक है। यानी उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट हमने चेंज करना है वो इनिशियल, मिनिमम, मैक्सिमम एंड डायामीटर है। इसको भी अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से ऐड करते हैं। आपकी स्लाइड्स में जो है इन सब की जो डिटेल्स हैं वो डिटेल में आपको ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से अब आपने ऐड करना है, इनमें किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिजर्वायर के लिए देख लेते हैं कि रिजर्वायर में जो पैरामीटर्स थे उनको जो है वो किस तरह से ऐड करना है।
ठीक है, तो रेजर वायर के लिए देखते हैं किस तरह से ऐड करना है। अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रेजर वायर में अब जहाँ पर ये आपका रेड कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये एक पॉइंट आपने चेंज करना है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऐड करनी है। और वो क्या है, वो आपके पास है टोटल हेड, यानी ये बेसिकली हमारे पास होता है कि आपने कितनी हाइट पर कितने प्रेशर के साथ हेड, आप ये कह सकते हैं हेड आपके पास होता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर हाइट। यानी जैसे अगर आप प्रेशर के यूनिट की बात करें तो प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, PSI, ATM, ठीक है, ये आपके पास PSI के मतलब प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये हेड जो है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये आपके पास प्रेशर होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, इन द फॉर्म ऑफ हाइट। यानी आप अपना जो वाटर है वो कितनी हाइट पर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, कितनी हाइट तक उसको लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो हेड है, ये इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल हेड इज इक्वल टू एलिवेशन माइनस डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल माइनस ड्रॉडाउन। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे कि हम रिजर्वायर का जो हेड है हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल हेड इज इक्वल टू एलिवेशन माइनस डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल माइनस ड्रॉडाउन। क्योंकि बेसिकली हम जो अपना घरों में जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास, हम बेसिकली जैसे आप लोगों को इसका तो अंदाज़ा होगा कि एक ग्राउंड वाटर सोर्स होता है और एक सरफेस वाटर सोर्सेज होते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर सोर्स है, यानी बेसिकली जो हमारे पास ज़मीन की सरफेस के नीचे हमारे पास जो ग्राउंड में जो हमारे पास वाटर मौजूद है उसको हम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। यानी आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको आप अपनी पूरी सोसाइटी में और हाउसिंग स्कीम में या आप अपने घरों में जो है उसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए वाटर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली, यानी आपकी सरफेस है, एक तो जो आपकी यानी जो सॉइल सरफेस है उसकी कितनी डेप्थ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको ये ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल होगा, यानी कितनी नीचे आपको बोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कि जैसे अगर आप अपने घर में कोई वाटर सप्लाई का आपने कनेक्शन लगवाना है तो उसके लिए पूरा आप एक बोर करते हैं, तो उसके लिए यानी ये हाइट देखनी होती है कि हमारे पास हम ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे बोर करेंगे तो हमारे पास जो वाटर टेबल है वो अवेलेबल होगा। तो हमारे पास, हम लाहौर के लिए क्योंकि स्कीम है हमारे पास, उसका मैप है, तो हमारे पास उसका जो हमारे पास उसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास 40 मीटर्स है। अच्छा, उसके बाद जो ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ डाउन हमारे पास है, यानी क्योंकि जब भी आप कोई भी हाउसिंग स्कीम डिज़ाइन करते हैं ये हम 25-30 ईयर्स का मार्जिन रख के, यानी हम पॉपुलेशन को भी हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यानी आपने ये देखना होता है कि हमारे पास कितना जो है वो गैप आ सकता है अगर हम 25-30, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपने उसको सिस्टम स्कीम ने मज़ीद उसको उसमें डेवलपमेंट आनी होती है, मज़ीद पॉपुलेशन में इसमें इजाफा होना होता है, तो आप हमेशा इसको 25 ईयर्स से अबव इसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है उसके लिए आप इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप एक जगह से पानी को, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो जो स्टोरेज है ना ग्राउंड के नीचे, जो रेजर वायर है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, उसकी डेप्थ में जो है वो उसकी डेप्थ मजीद नीचे जाती जाएगी। यानी 40 मीटर्स की हो सकता है कि वो 10 साल बाद वो 40 मीटर्स की बजाय आपको वो पानी जो है वो 50 मीटर्स के करीब जाकर आपको वो
जो उसकी अवेलेबिलिटी है वाटर की वो हो। तो अगर आपने जो बोर किया है वो सिर्फ 40 मीटर्स तक किया है, तो हो सकता है कि वो आपको 5 साल 10 साल तक के लिए तो सर्व करे 40 मीटर्स के, लेकिन जो उसके बाद है, क्योंकि क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए, तो वो हो सकता है 10 साल के बाद जाकर आपको 40 मीटर्स से आपको वो एक्सट्रैक्शन ना हो। तो आपने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है, एक आपने एक इसको आप कह सकते हैं ये सेफ्टी फैक्टर है, ये एक मार्जिन है, आपने उतना मार्जिन रखना होता है ताकि आने वाले सालों में कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्शन की वजह से अगर वो जो ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ है उसमें मजीद इजाफा हो जाता है, वो 40 मीटर्स की बजाय आपको मजीद डीप खुदाई करनी पड़ेगी, बोर करना पड़ेगा और फिर जाके आपको पानी मिलेगा, तो वो ड्रॉ डाउन होता है हमारे पास, यानी कितनी उसमें कमी आ सकती है और डेप्थ कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है बात, ये जो हम हेड को देख रहे हैं इसका इससे रिलेटेड कोई सवाल है, ड्रॉ डाउन समझ आ गया कि हमारे पास ड्रॉ डाउन की क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम कितना, तो यानी ये वैल्यूज आपको गिवन है, आपने सिंपल जो है इसको टोटल हेड एलिवेशन हमने ऐड की हुई 217, ये डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल और ड्रॉ डाउन जो है हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल हेड आ जाएगा, जो भी वो वैल्यू आएगी वो जो कि यहाँ पर लिखी भी हुई है 167 मीटर्स, तो ये सबकी ये सेम ही वैल्यू होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आप उसमें ऐड कर देंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे, आपने ये रिजर्वायर पर क्लिक करें, सॉरी पंप पे क्लिक हुआ है, रिजर्वायर पे क्लिक करें तो ये टोटल हेड में 217 डला हुआ है, आप यहाँ पर 167 ऐड कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये आपका डाटा जो है ये यहाँ पर सेव हो जाएगा रिजर्वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गई हूँ कि हमने ये जो जैसे आपकी ये जो स्लाइड थी जिसमें स्टेप नंबर आपका 9 है, स्टेप नंबर 9 में देखें तो जब आपने ये तीनों स्टेप कर लिए उसके बाद एक और रेड जो आपके पास सर्कल लगा हुआ है, यानी आपने इसको अपने किसी नोट से भी अटैच करना है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताया, जैसे सपोज अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट नोट्स लगे हुए होंगे क्योंकि आप लोगों ने तो लेआउट ड्रॉ कर लिया हुआ है, तो आपकी ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो नोट्स लगे हुए होंगे, तो अब आपने क्या करना है, एक आपने पाइप को सिलेक्ट करना है, जब आपने ये रिजर्वायर पंप और टैंक आपने इंस्टॉल करनी है सेंट्रल पार्क में, तो अब आपने एक पाइप लगाना है, वो पाइप आपने क्या करना है, ये टैंक से उसको स्टार्ट करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट आपका कोई भी एक नोड होगा, आप उसको चाहें तो इस नोड पे, ये जो मैंने जहाँ पर किया इस पे भी कर सकते हैं उसको, यानी अटैच करना है, वरना जो आपका पूरी स्कीम है वो इस रिजर्वायर और इस टैंक के साथ उसकी जो कनेक्शन है वो नहीं होगा, तो जब तक आप ये कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारे पास ये जो अटैचमेंट है वो शो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस पाइप की, क्योंकि अब आप इसकी अगर आपने पाइप की लेंथ ऐड करनी है तो जैसे आप ऑटो लेंथ का फीचर ऑन कर लें और फिर ये लेंथ लगाएंगे तो आपके पास वो ऑटो लेंथ के अकॉर्डिंगली क्या होगा वो लेंथ आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ से ऑटो लेंथ ऑन कर रही हूँ और अब मैं पाइप की जो लेंथ है अब मैं पाइप को लगाती हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखिएगा अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी लेंथ अब एक्यूरेट लेंथ आ जाएगी जो कि है 799.48 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट्स जो हैं वो मीटर वाले यूज़ कर रहे हैं, वो हमने डिफॉल्ट में सेटिंग अप्लाई की हुई है। स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है या नहीं, रिस्पॉन्ड करे कोई स्टूडेंट, बेटा समझ आ रहा है या नहीं, मैम आ रहा है। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी ताकि एक दफ़ा आप इसको देखकर फिर अपना जो भी आपने इसमें सॉफ्टवेयर में काम करना है आप उसको कर सकें। अच्छा इस तरह से अब आपने उसको अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके साथ अटैच कर दिया। अच्छा उसके बाद अब आपकी रिजर्वायर में आपने हेड ऐड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप 11 है उसमें अब आपके पास है कि आपने जो टैंक की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये अभी हम कर रहे थे रिजर्वायर की, अब आप इसको टैंक को सेलेक्ट करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो अब ये 217 तो ऑलरेडी ऐड है, अब हमने इनिशियल लेवल मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ऐड करना है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है कि आपकी जो वाटर लेवल है यानी आपके पास जो टैंक है उसमें आप कहाँ से जो वाटर है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो अब ये जो हम मिनिमम लेवल या मैक्सिमम लेवल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो इसका जितना सर्कुलर पोर्शन है ना ये सिर्फ उसकी बात हो रही है, यानी इसकी जो ग्राउंड पर जो आपके पास इसकी जो मौजूद है
उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ ये जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है, ये समझ आ रही है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि इनिशियल लेवल मिनिमम लेवल कहाँ पर होगा। बेसिकली ये जो इसका ओवर हेड टैंक का जो सर्कुलर पोर्शन है, यानी उसमें आप किस पॉइंट से वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका मिनिमम उसका मैक्सिमम लेवल जो है वो क्या है। तो इनिशियल लेवल हमारे पास आपने जो सेट करना है, ये जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है हमारे पास 50 एंड 10, उसको आपने नहीं रखना, बल्कि यहाँ पर जो आपके पास गिवन है वैल्यूज मिनिमम लेवल 0, यानी ऑब्वियसली जब आपके पास तो आपका वो मिनिमम लेवल है। इनिशियल लेवल जो है वो 1 मीटर है, यानी 1 मीटर तक भी आपके पास जो है वो अवेलेबल होगा तो वो आपकी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और मैक्सिमम लेवल उसकी 5 मीटर, यानी टोटल जो आपके पास उसकी डेप्थ है ओवरहेड टैंक की वो 5 मीटर है, यानी वो मैक्सिमम फुल कितना हो सकता है, उसकी डेप्थ कितनी है, ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, वो 5 मीटर्स है। ठीक है, तो मिनिमम लेवल हमारे पास 0 है और इनिशियल लेवल हमारे पास 1 मीटर है। तो जितनी भी डेप्थ ऑफ ओवरहेड टैंक होती है बेसिकली वो हमारे पास 5 मीटर्स है, और उसको ही हम मैक्सिमम लेवल से जो है वो उसी को ही जो डेप्थ होगी उसी को ही हम मैक्सिमम लेवल लेंगे। अच्छा, अब इसमें ज़रा आप अगर मैं आपको दिखाऊं पिक्चर के थ्रू, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, तो मैं आपको ये ओवरहेड टैंक का आपको ये एक कोई मिल जाए। जैसे ये देखिए, ये अब ये जो आपके पास एक पिक्चर है, इसको मैं आपको बेटा ये जो पिक्चर है ये आप लोगों को विजिबल है, जी मैम, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि आपको नजर आए। अब देखिए, ये आपके पास उसी तरह का एक ओवरहेड टैंक की पिक्चर है जिसको शो किया गया, इंटरनली शो किया गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर जो हम अभी बात करें ना, इनिशियल लेवल मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, वो यानी ये जो सर्कुलर पोर्शन है जिसमें कि आपका वाटर स्टोर होना है, ये वहां उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे जो हाइट है उसकी अब हम बात करेंगे कि वो यानी आपके ग्राउंड से उसकी कितनी हाइट होनी है, वो जो हमारे पास आपको वर्टिकल जो फोर उसके जो बने हुए नजर आ रहे हैं, ये उसकी हाइट है कि ग्राउंड से कितनी एलिवेशन हो। ठीक है, ये जो आपके पास अगर जो आपको सिर्फ जो वाटर स्टोरेज के लिए बात हो रही है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम इनिशियल एंड मिनिमम लेवल आएगा। तो इसमें मिनिमम लेवल हम रखेंगे 0, यानी 0 मीटर। अगर कोई इसमें पानी अगर बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली वो फिर आपके पास उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो टोटल इसकी हाइट कितनी है, यानी यहाँ से लेकर टोटल इसकी हाइट यहाँ तक कितनी है, 5 मीटर्स है हमारे जो ओवरहेड टैंक है, उसका इनिशियल लेवल 1 मीटर, यानी अगर स्टार्ट ही हमारा 1 मीटर तक अगर अवेलेबल है तो इजीली आपके पास जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, उसको आप जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं घरों तक या किसी भी स्कीम में, मतलब डिफरेंट उसके पास पार्ट्स तक, तो ये पहुँच जाएगा। तो ये मतलब है हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम और इनिशियल लेवल से, यानी जितना हमारे पास डेप्थ होगी मैक्सिमम, वही हमारे पास उसका मैक्सिमम लेवल होगा जो कि यहाँ पर इस टेबल में भी शो किया गया। उसके अलावा अब इसका जो टेबल का सेकंड कॉलम है उसको देखें, सॉरी सेकंड रो जो है, हाइट ऑफ ओवरहेड टैंक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, वो है 15 मीटर्स। यानी एक तो है उस ओवरहेड टैंक की अपनी डेप्थ है, उसकी अपनी हाइट है जिसमें कि वाटर स्टोर हो रहा है, एक उसकी हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। वो ग्राउंड लेवल वाली हाइट कौन सी है, वो है हमारे पास, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो जो हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास ग्राउंड लेवल, यानी जहाँ पर वो आपकी सरफेस के ऊपर वो टैंक मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपके पास इस ओवरहेड टैंक का ग्राउंड वाटर से कितनी हाइट है वो आपने मेंशन करनी है, तो वो हम ले रहे हैं 15 मीटर्स। ठीक है,
और ये आपके पास जो मिनिमम मैक्सिमम एंड इनिशियल लेवल है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो वो जो मिनिमम मैक्सिमम इनिशियल लेवल है वो इस जगह के लिए, और ये आपके पास है हाइट ऑफ ओवरहेड टैंक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है, यानी आपके ग्राउंड सरफेस से वो कितना ऊपर आपके पास प्रेजेंट है। अच्छा, इतनी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं ये क्या है। उसके बाद हमारे पास पंप रनिंग टाइम, यानी आपके पास कितनी देर रिजर्वायर से टैंक तक पानी आपने लेकर जाना है, तो आपके पास सेंटर में जो आपने पंप लगाया हुआ है वो कितने घंटे चलेगा, तो आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास वॉल्यूम है वो उसका फुलफिल हो जाएगा ओवरहेड टैंक का, तो हमारे पास 8 आवर्स पर डे, यानी 3 एयर पंप चलेगा दिन में, तो आपके पास जो आपकी सोसाइटी है उसकी जो वाटर की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। और वाटर डिमांड क्या है, वाटर डिमांड जो आप लोगों ने अपना जो एक्सेल शीट के थ्रू जो आपने टोटल एक एंड पे वाटर डिमांड लीटर्स पर सेकेंड में रेजिडेंशियल प्लस आपका जो भी कमर्शियल और सोसाइटी ऑफिस पार्क वगैरह सबकी आपने ऐड की थी, वो आपके पास जो है वो फाइनल एक आपके पास डिमांड आ जाएगी। तो आपके पास हर पॉइंट के अगेंस्ट आएगी ना, N1 के अगेंस्ट, N2 के अगेंस्ट, N3, तो आपके पास टोटल तकरीबन आप लोगों के तकरीबन 50, 53, 54 किसी के नोड्स एक आधा कम होंगे, जितने नोड्स आ रहे थे आप सबके, तो आप उन सब नोड्स की उसको डिमांड को ऐड कर देंगे, यानी जहाँ पर आपने एक्सेल शीट में उसको बनाया है उसके एंड पर नीचे उसका टोटल का एक आप रो में टोटल की हेडिंग डाल के उसको ऐड कर लेंगे। वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हम जो ये आपके पास डेप्थ है, हाई सारी तमाम चीज़ें अब आप लोग दे चुके हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायामीटर ऑफ टैंक एंड टोटल एलिवेशन। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डायामीटर किस तरह कैलकुलेट होता है उसका हमारे पास पूरा एक फॉर्मूला मौजूद है। उसकी आपको डायामीटर बात क्या है, यानी ये कितना, ये जो सर्कुलर पोर्शन है आपके पास, यानी इसका इसका डायामीटर कितना है, कितनी बड़ा ये जो स्टोरेज आपने टैंक बनाया है इसको कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें कितना वॉल्यूम आ जाए, तो वो जो इसका जो वॉल्यूम है ये इसकी जो डेप्थ है ये आपके पास डिपेंड करती है अगर आपका लोड कितना है, आपकी जो डिमांड आ रही है, एवरेज डिमांड आ रही है वो कितनी है। तो उसके लिए आपको इसका वॉल्यूम का टैंक का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/6 ऑफ एवरेज डिमांड, ये जो है वाटर जो आपने अपनी शीट में बनाई है, आप लोग वो एक्सेल शीट निकाली बेटा, यार उनको एक्सेल शीट आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, तो आप लोगों ने यहाँ तक जो है कैलकुलेट कर चुके हैं टोटल डिमांड LPS में आप लोगों के पास लीटर्स पर सेकंड में आ चुकी है, ये तमाम आप लोगों के पास। अब इसको आप लोगों ने ऐड करना है, इसको सम करना है, इसका टोटल करना है, वो आप कहाँ करेंगे, जहां पर आपके नोट्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पर नीचे आप एक कॉलम में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें कि आप टोटल उसकी डिमांड ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे, लिखिए उस समय बाद आप करें सम, आप लिखेंगे सम और आप अपने माउस की मदद से नीचे अपने सबके ऊपर अपना ये कर्सर लेकर आए, और इसको आपने जहाँ तक आपका नोड जैसे यहाँ पर अभी N53 तक मेरे पास डाटा है उसको ऐड करके एंटर कर दें, तो इसने आपको एक जो टोटल ऐड करके उनकी वाटर डिमांड बना दी है वो एक एवरेज डिमांड आपके पास आ गई है जो कि है 11.418। LPS लीटर्स पर सेकेंड, तो हमारे पास ये एक तो बेटा यहाँ तक समझ आइए, ये हम एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये आप लोगों ने शायद पहले नहीं लगाया हो, ये आपको पता है एक्सेल में किस तरह से फॉर्मूला लगते हैं, ये अभी बल्कि आप ये लगाए हैं आपने ये इसको डिजाइन करते वक्त किया होगा, तो लेकिन सम वाला आपने यूज शायद नहीं किया होगा, तो आपने सिर्फ SQM आप लिखे तो आपके पास सम वाला फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद आपने सिर्फ उन सब जो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास जो है Q एवरेज आ गई है। अब इसको आपने कहाँ पर ऐड करें,
यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, वो अभी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 11.4 समथिंग लीटर्स पर सेकंड में आ रही है। तो बेसिकली आपने क्या करना है उसको, सिक्स से डिवाइड करेंगे और आपके पास कोई ना कोई की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करें और बताएं कि वैल्यू आ रही है 11.4 डिवाइड बाय 6। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम 1.9 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो 1.9 है ये हमारे पास है लीटर्स पर सेकंड में। आपने इसको मीटर क्यूब पर डे में इसको कन्वर्ट करेंगे। वो हम क्यों करें, क्योंकि बेसिकली हमने जो एक टोटल उसका क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए वो हम मीटर क्यूब में। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। डायमीटर बेसिकली हमने उसका अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें डायमीटर उसका मीटर्स में रिक्वायर्ड है। मैम हम आपकी आवाज लीटर्स कट से कर आ रही है। अपने मीटर क्यूब में उसकी कन्वर्जन चाहिए और फिर उसको पंप रनिंग का जो हमने टाइम लिया वो हमने 8 आवर्स पर डे लिया, तो यूनिट्स को यानी हमने सेकंड्स पर सेकंड मतलब है। हाँ जी अब क्लियर। नो मैम अभी भी ठीक नहीं आ रही। स्टूडेंट्स के पास जी स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इंटरप्शन, मीटिंग जो है वो कनेक्ट रिकनेक्ट हो गई थी नेट इशू की वजह से। अब मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी मैम अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने बेसिकली ये जो डायमीटर ऑफ टैंक निकालना है, ठीक है, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा, तो हम बेसिकली वॉल्यूम से फिर एरिया निकालेंगे, एरिया से फिर हम मतलब एरिया के फॉर्मूले के थ्रू हम जो है वो वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है। तो उसके लिए हमने जो आपका क्यू एवरेज था यानी जो आपकी डिमांड है वाटर डिमांड जो कि आपने एक्सेल शीट में मैंने अभी आपको सम का फॉर्मूला ये सबको उस वक्त मेरी आवाज़ क्लियर थी जब मैं ये बता रही थी कि किस तरह से आपने ऐड करना है। नहीं, मैं एक बार दोबारा समझा दें। अच्छा मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये जो 11.418 आया ये मैंने बेसिकली सारे जो कॉलम है ना आपको उसको ऐड मैम आपकी किया। स्क्रीन नहीं शो हो रही। आपको स्क्रीन शो करती हूँ, ये देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास ये जो आप लोगों का लास्ट कॉलम है ना जिसमें आपने काम किया वो है हमारे पास टोटल डिमांड लीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, ये है एवरेज हमारे पास जो वाटर डिमांड है एक स्कीम की वो आ गई है। अब मैं ये आप लोगों को समझा रही थी कि आप लोगों ने ये जो लास्ट कॉलम है इस पूरे कॉलम को आपने एक्सेल में ऐड करना है। वो आपने कैसे ऐड करना है, इस ये जो जहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है उसके नीचे एक रो में आप उसको इक्वल का साइन लिखेंगे और सम
SUM टाइप करें अपने कीबोर्ड से, ये ऊपर फर्स्ट में आपके पास ब्लू में शो हो रहा है सम, तो यानी ये एक्सेल में बिल्ट इन फॉर्मूला है सम का, इसको क्लिक करें। अब आगे नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप अपने नंबर दें, यानी आप जिन नंबर्स को जिस पॉइंट से लेकर आप उसको ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। तो अब आपने इसको कैसे सेलेक्ट करना है, आपने फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया और अब आप शिफ्ट और जो इस तरह से उसको क्लिक करके जो आपके पास ड्रॉप डाउन वाला बटन होता है, या आप माउस की मदद से भी अपना नीचे लेकर आए आप अपने इसको, तो ये आपके पास ये सारे जो आपके पास डाटा है लास्ट कॉल में कम्प्लीटली उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दें तो उसने ये आपको टोटल जो सम की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे दिया, जो कि 11.4 आ रही है। हुसैन आप क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया, 11.4 आया, तो ये अब हमने फार्मूला में उसको पुट कर दिया वैल्यू को। तो अब हमारे पास, अब हमने इसको डिवाइड किया फार्मूला के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास लीटर्स पर सेकंड में 1.9 वैल्यू आ रही है। तो अब हम कन्वर्जन चाहते हैं लीटर्स से मीटर क्यूब में और सेकंड से डे में। ठीक है, तो इसके लिए आपको लीटर्स से मीटर क्यूब में जो आपने कन्वर्ट करना है उसके लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है, यानी 1.9 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास मीटर क्यूब में कन्वर्शन हो जाएगी। तो अगर आप 1.9 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0019, राइट। उसके बाद अब आपने ये जो डिवाइड हो रहा है, यानी नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में सेकंड मौजूद है, इसको आप डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेकंड से डे में जाना होता है तो हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमारे पास होता है 86400, जो कि आप यानी 24 × 60 × 60 करके आता है। वो आप लोग क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डे से सेकेंड में आपने कन्वर्ट किया है, ये किया है ना आपने? जी मैम। ठीक है, इस सेल में ये जो M और N पे जो जहाँ पर मेरा यहाँ पर आप जिस तरह से आपने यहाँ पर कन्वर्ट किया है डे से सेकंड में किया, लेकिन अब आप रिवर्स करेंगे, अब आपको करना है सेकंड से डे में। ये बात समझ आ रही है, डिफरेंस समझ आ रहा है? ये जो एक्सेल में आपने किया है जो सेल जो रो नंबर आपकी M और N में किया, N में आपने बेसिकली सेकेंड से by 1000 multiplied by 86400। ये बेटा कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है, खुद कैलकुलेट करें। वॉल्यूम क्या आ रहा है, मतलब ये जो मीटर क्यूब पर डे में आपके पास डिमांड आ रही है, क्या आ रही है? वन पॉइंट नाइन डिवाइड बाय थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 86400। जो कि 86400 किस तरह से आया है, क्योंकि हमारे पास जो हाँ जी, रोल नंबर वन आपने लास्ट लेक्चर भी नहीं लिया था। तो अभी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ क्लियर है?
जी मैम। बेटा असल में मेरी तरफ नेट का, हमारी तरफ इधर यूनिवर्सिटी का नेट का शायद कोई इशू है, तो बार बार जो है वो मीटिंग डिसकनेक्ट हो जाती है। तो इसमें आप लोगों को जो भी मजीद कोई इशू होगा, तो जो भी ये डिज़ाइन में इनके फॉर्मूला अप्लाई करने में, तो ये हम जब आपके पेपर्स के बाद एक लेक्चर में आप लोगों को ये मैं दोबारा से भी समझा दूंगी, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर कोई समझ नहीं आ रही चीज़ तो हम दोबारा से भी इसको डिस्कस कर लेंगे। नेट का इशू है तो मुझे पता है कि वो बार बार जो है वो इशू आता है, लेकिन अभी जो है आप लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप एज इट इज़ में चाहती हूँ कि आप हम आए मिड के बाद, तो हमारा ये डिज़ाइन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ हो, तो इसलिए अभी आप इन वैल्यूज़ को जो मैं लिख रही हूँ इसको आप एज इट इज़ अपने ओवरहेड टैंक के जो डाटा में आप इसको पुट कर दें, ताकि जब फिर आप लोग ऑन कैंपस क्लास में आएंगे तो हम इनकी जो कैलकुलेशन है वो देख भी लेंगे। तो मैं एक दफ़ा से आप लोगों को स्क्रीन शो करती हूँ दोबारा से, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये हमारे पास जो मीटर क्यूब पर डे में जो वैल्यू आ रही है वो 164.16 आ रही है, ठीक है? यही वैल्यू आ रही है 164.16, जी मैम, यही है। ठीक है? तो उसके बाद अब हमने वॉल्यूम का फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया कि ये जो मीटर क्यूब पर डे में हमने कन्वर्जन किया है वाटर डिमांड की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पंप रनिंग टाइम से, और वो हमने कितना लिया 8 आवर्स पर डे। वो कहाँ पे हमने मेंशन किया, ये इस टेबल में हमने मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पास डिज़ाइन में हमारे पास जो 8 आवर्स पर डे हमारा पंप का रनिंग टाइम है, ठीक है? तो वो हमने 8 आवर्स से उसको मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि हम हमारे पास ये 8 आवर्स है और इसको हम कन्वर्जन चाहते हैं, तो इसलिए हमने 24 एक दिन में हमारे पास, क्योंकि ये डे है 8 आवर्स पर डे है, तो हमने बेसिकली इनको भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कन्वर्जन फैक्टर वो अप्लाई करें 24 आवर्स का, ठीक है? तो अभी ये आप लोग बस आप एज इट इज़ जो भी इनको यूज़ करते हुए आप जो है इनको पुट कर दें, फिर हम इनकी जो वैल्यू है आपकी किस तरह से आई है या इसमें कैसे इसको कंक्लूड करेंगे या किस तरह से आपकी इंक्लूड करेंगे वो हम फिर देख लेंगे दोबारा से एक दफ़ा जब आप ऑन कैंपस क्लास में आएंगे। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम, अब ये जो पीछे जो हमारे पास ये जो 54.72 मीटर क्यूब वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, इसको आप यहाँ पर फार्मूला में पुट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे डेप्थ से। अब डेप्थ हमने उसको हमने बता चुके हैं कि जो मैक्सिमम लेवल है हमारे पास ओवरहेड टैंक का वो 5 मीटर्स है, तो हम उससे डिवाइड करके हम एक वैल्यू आ जाएगी, तो 54.72 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप तो वो 10.944। ये अब हमारे पास जो है वो एक एरिया की वैल्यू आ गई है जो कि ओवर है टैंक का एरिया है 10.944। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये जो एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया है इसको इस फॉर्मूला में एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4d², इसमें आप एरिया की वैल्यू पुट करके डाया निकाल लेंगे, डी की जो वैल्यू वो आप कैलकुलेट कर लेंगे और आप उसको यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ये सबको पता है कि किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4d², डी हमारे पास शो कर रहा है डाया ऑफ ओवरहेड टैंक को, एरिया शो कर रहा है एरिया ऑफ ओवरहेड टैंक को, और पाई बाय 4 तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें से ज़रा अभी मुझे कैलकुलेट करके बताएं ना क्या आ रहा है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, और डी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो एंड पे जब आप फाइंड आउट करें तो इसका आपने अंडर रूट लेना है। एक दफ़ा मुझे फाइंड आउट करके बताएं आप लोगों की डी की वैल्यू क्या आ रही है, एरिया की वैल्यू पुट करें 10.944 और डी हमारे पास अननोन है, डी फाइंड आउट करके बताएं क्या वैल्यू आती है। समझ आ रही है कि नहीं, क्या करना है, मैम चलें कैलकुलेट करके बताएं मुझे। सिर्फ एक ही स्टूडेंट रिस्पॉन्ड ना करे, बाकी स्टूडेंट्स ने भी जो है वो करके मुझे बताएं। पाई की वैल्यू को आप लेंगे 3.14, पाई कांस्टेंट वैल्यू है उसकी 3.14 आप लोग पुट करेंगे।
जी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करें, किसी ने कैलकुलेट किया? हाँ जी हुसैन, कैलकुलेट किया आपने, क्या वैल्यू आ रही है डी की? वन नाइन्टी फोर पॉइंट नहीं, गलत है ये, 194 कैसे आ रही है? मैम 3.73 आ रही है। हाँ 3.73 है। कायनात आपकी ठीक नहीं है, आपने सही नहीं की कैलकुलेशन, दोबारा करो इसको। ये आपके पास आएगी 3.73। ये बाकियों ने कैलकुलेट, ये क्या यस ये मैम सब? यही है 3.73। जी बाकियों ने भी कैलकुलेट की है कि नहीं? स्टूडेंट्स भी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। स्टूडेंट्स नेटवर्क का बहुत इशू है, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रही है मीटिंग बार। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस की मैसेजेस हैं वो चैट बॉक्स में सेंड करें, और ये जो आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने ये जो यहाँ तक जिन्होंने तो मुझे सेंड कर दिया था, मुझे रोल नंबर 4 की आ गई, 7 की भी आ गई थी, 9 की भी मेरे ख्याल से आ गई थी, तो पिछला जो इनका काम कंप्लीट नहीं है वो सारे कंप्लीट करके मुझे ईमेल करें। और किसने मुझे भेजी थी रोल नंबर मैम 10? मैंने भी आपने मुझे सेंड की। सेंड की है अपना जो पिछला आपकी फाइल है ईपीएनए की? हाँ रोल नंबर 6 की भी आ गई। हाँ जी रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 प्रेजेंट है? जी मैम। रोल नंबर 10। हाँ जी बेटा आपने सेंड किया मुझे पिछला जो काम था, आपने मेरे से क्लास भी मैम नहीं मैंने ली आपको मेरी। एक्स्ट्रा चेक कर दी थी। जी मैम मैंने वो नहीं ली थी, मैंने आपको बताया था। लास्ट वाली नहीं, मतलब आपने जैसे वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों का अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो लेक्चर देखकर आपने ये जो मैम मैंने अभी नहीं किया वो काम। डिजाइन वाला नेक्स्ट, अब मिड के बाद ही अब आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे, तो मिड के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने ये मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, अब आप लोगों का नेक्स्ट यही है कि आप लोगों ने तो पिछला जिनका कंप्लीट नहीं है वो भी कंप्लीट करें, और इस तरह से ये स्टेप 9, स्टेप 10 ये आपने कंप्लीट करना है। स्टेप 11 में आपने कौन कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है जो आपके पास ये इस ब्लू टेबल में गिवन है, ठीक है? ये तमाम वैल्यूज जो है आपने स्टेप 11 के अकॉर्डिंगली आपने इसको ऐड कर देना है, और इसमें डायामीटर की वैल्यू जो है वो भी आप लोगों की आप कैलकुलेट करके तो वो इसमें ऐड करेंगे, वो उसको स्किप कर दीजिएगा, फिर वो जब आप लोग ऑन कैंपस आएंगे आपको एक दफ़ा, क्योंकि फिर वो अब इस तरह बार बार नेट जो है वो डिसकनेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से वॉइस आप लोगों का इशू है, तो उसको फिर ऑन कैंपस लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक अब आप लोगों ने कंप्लीट करना है, पिछले भी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया स्टेप 9, 10
और 11। उसके बाद हमारे पास फिर लास्ट थ्री स्टेप्स रह जाएंगे, स्टेप 12 है, 13 और 14। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। तो इसको फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कर लें और अटेंडेंस के मैसेजेस चैट बॉक्स में सेंड कर दें, अदरवाइज हम आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।